अब ये सीधे चांद की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके साथ ही भारत इतिहास रच देगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। अब चंद कदम दूर है चांद, खास है 23 अगस्त की शाम। इतिहास रचेगा हिंदुस्तान। भारत का चंद्रयान मिशन तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन से प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर लिया है, जहां से चांद की सतह की दूरी कुछ ही किलोमीटर दूर रह गई है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल सामान्य तरीके से काम कर रहा है। लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग ऑपरेशन किया। इसके बाद अब इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर तक कम हो गई है। दूसरा डी बूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 को लगभग 2 बजे किया जाएगा। लैंडर विक्रम की गति को धीमा करके उसे चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा गया है। ये प्रक्रिया 20 अगस्त को भी होगी, जिसके बाद विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी। इसके बाद शाम 23 अगस्त को करीब 5:47 पर विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराते ही इसरो इतिहास रच देगा। चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा। लैंडर और रोवर दोनों ही लैंडिंग के लिए जरूरी ऊर्जा सौर ऊर्जा से हासिल करेंगे। क्योंकि अभी चांद पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा, यही कारण है कि चांद की सतह पर लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त रखी गई है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसका प्रोपल्शन महीनों तक चांद की कक्षा में रहकर चांद के रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरकर 14 दिनों तक पानी की खोज सहित कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ये बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम गहलोत को राहत बरकरार, अंतरिम राहत।